हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक कंपोस्टिंग का प्रोसेस दिखाने वाली हूं। आज एक कंपोस्ट बनाने का वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं। एक्चुअली मैं वेस्ट टी लीव्स यानी कि चाय की जो पत्ती होती है, जो चाय बनाने के बाद वेस्ट बचती है, उसको कंपोस्ट कैसे बनाने हैं, इसका फुल अपडेट देने वाली हूं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ये वेस्ट जो चीज़ है, इससे आप ज़ीरो बजट में बिना किसी मेहनत के, बिना किसी लॉन्ग टाइम के आप कंपोस्ट बना के तैयार कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट बन के तैयार हो जाएगा और आपके जो गार्डन के प्लांट हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक प्योर ऑर्गेनिक खाद बन के तैयार होता है और आप अगर उसे प्लांट में डालते हैं, स्पेशली अगर आप उसे अपने जो शो प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जिनकी फॉलियस से उसका लुक आता है, ऐसे प्लांट में डालते हैं तो वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके बहुत अच्छी ग्रीनरी देगा आपके गार्डन को, क्योंकि ये नाइट्रोजन रिच खाद बन के तैयार होता है। खुद ये पत्तियों से ही बना होता है और जब हम इसे खाद बनाकर अपने प्लांट में ऐड करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है इंस्टेंट देखने को मिलता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो इसलिए मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनने वाला खाद आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं खुद अपने गार्डन के प्लांट के लिए बनाती रहती हूँ तो आज मैंने सोचा इसकी वीडियो आप लोगों से शेयर करूं। तो फुल अपडेट है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का वीडियो आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू आप भी बहुत इजीली ये खाद अपने गार्डन में बना के तैयार करके अपने प्लांट में ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक खाद है, किसी भी तरह से आप अपने प्लांट में ऐड करते हैं तो ये कभी भी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि इसके फ़ायदे ही फायदे हैं। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, कुछ लोग चाय की पत्ती जो निकलती है यूं ही प्लांट में डाल देते हैं तो वो पौधों को फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुँचाती है। तो इसे प्रिपेयर कैसे करना है, इसमें जो चाय में जो दूध और चीनी की मात्रा है उसे क्लीन कैसे करना है, ड्राई कैसे करना है, किस तरह से इसे प्लांट के लिए प्रिपेयर करना है, इसकी ऑलरेडी अच्छी सी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ एक सिंगल क्लिक से वो वीडियो खुल जाएगी और आप देख पाएंगे कि मैं इस चाय की जो पत्ती होती है उसे क्लीन कैसे करती हूँ, पूरा प्रोसेस दिखा रखा है। उसके थ्रू आप इस चाय पत्ती को क्लीन करके तैयार कर लेंगे। मेरा देखिए ये क्लीन करके बिल्कुल रेडी हो गया है डीकम्पोस्टिंग के लिए। अब मैं दिखाती हूँ कि इसे डीकम्पोस्ट करने का प्रोसेस कैसे है, क्या क्या करना होता है इसे डीकम्पोस्ट करने के लिए। अगर आप इसे डायरेक्ट प्लांट में यूज़ करते हैं बिना डीकम्पोस्ट किए हुए तो इसे सॉइल में ऐड होकर डीकम्पोस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर आप इसे डीकम्पोस्ट करके प्लांट में ऐड करेंगे तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, बहुत तेज़ी से प्लांट में असर करेगा और प्लांट आपका हेल्दी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए मैं इसे खुद भी डीकम्पोस्ट कर रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप भी इसे डीकम्पोस्ट करें उसके बाद अपने प्लांट में ऐड करें। तो कैसे करना है चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने एक छोटा सा पॉट लिया हुआ है, 7 इंच का पॉट है, किसी भी आप पॉट में या बर्तन में या फिर किसी यूजलेस कंटेनर में बना सकते हैं। तो इसमें मैं बना रही हूँ। तो क्या करना है, इसमें जो ये नर्सरी के पॉट आते हैं उसमें रेडीमेड ऐसे होल बने हुए हैं तो होल को पहले कवर करेंगे, अदरवाइज ये सारा जो वेस्ट टी लीव्स प्रिपेयर हुआ है वो गिर जाएगा। तो इस देखिए कुछ लीव्स इकट्ठा किया है, ये मैं इसमें रख दूँगी। देखिए फ्रेंड, अब जो होल थे ना वो अच्छे से कवर हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हमें जो टी लीव्स हमने प्रिपेयर किया हुआ है ना, वेस्ट टी लीव्स चाय की पत्ती, उसे हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैं आपको ऐड करके दिखा। देखिए फ्रेंड, जितना भी वेस्ट टी लीव्स था उसे मैंने इस पॉट में फिल कर दिया है। अब क्या करना है ताकि ये जल्दी से डीकम्पोस्ट हो, इसका भी एक प्रोसेस है, उसके थ्रू ये जल्दी से डीकम्पोस्ट होकर तैयार हो जाएगा और आप अपने गार्डन के प्लांट में से यूज़ कर पाएंगे। तो क्या करना है, हम इसमें थोड़ा सा जो अदर कंपोस्ट रहता है हमारे पास वो ऐड करेंगे। तो मेरे पास काउडंग कंपोस्ट है, आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या लीप मोल्ड है या कोई सा भी खाद है ना, तो आप इस जो चाय पत्ती है उसमें ऐड कर देंगे। तो उससे क्या होगा फ्रेंड, ये वाला जो खाद मैं दिखा रही हूँ आपको काउडंग कंपोस्ट, ये भी इसी प्रोसेस से गुजर के तैयार होता है, पहले बाद ही अच्छा सा खाद बन के तैयार हुआ है। तो अगर हम इस कंपोस्ट को इस चाय पत्ती में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इसका जो खाद बनने का प्रोसेस है ना, फास्ट बनके ये तैयार हो जाएगा और हमें जल्दी ही इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये वाला जो कंपोस्ट है मैं आपके सामने इसमें ऐड करती हूँ, इस तरह से इसमें ऐड करूँगी मैं और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। देखिए इस तरह से किसी भी टूल्स की हेल्प से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये इसमें मिक्स हो जाएगा ना और हम इस पर हल्की सी वाटरिंग करेंगे ताकि इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे, क्योंकि थोड़ा सा मैं ऊपर से भी इसे कंपोस्ट से ऐड कर दूंगी।
इसमें हल्का सा मैं वाटर ऐड करूंगी, हल्का सा वाटरिंग करनी है, स्प्रिंकल करना है कि जो ये मैंने पॉट लिया है इसमें अच्छा सा मॉइस्चर मेंटेन रहे और इसे डीकम्पोज करने का प्रोसेस है वो फास्ट हो, जल्दी से बन के तैयार हो जाए। तो अब हमें थोड़ा सा वेट करना है। आपको इसे रखना कहाँ है फ्रेंड, तो इसे इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रखना है। इसे थोड़ा सा कवर करके रखेंगे, आगे जब इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये कंपोस्ट बनके तैयार होगा, तब मैं आप लोगों से दिखाती हूँ कि अब इसकी क्या कंडीशन है। देखिए फ्रेंड, जो मैंने वेस्ट टी लीव्स कंपोस्टिंग के लिए रखी थी वो अच्छे से डीकम्पोज होके अच्छा सा खाद बन चुका है। देख सकते हैं जो दाने दाने चाय पत्ती थे वो पूरी तरह से डीकम्पोज होके अच्छा सा जो भुरभुरा सा खाद बनके तैयार हो चुका है, जो कि अब प्लांट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से आपको अपने जो वेस्ट टी लीव्स निकलती हैं किचन से उसे डीकम्पोज करके अच्छा सा खाद बनाना है कि जो आपके गार्डन में प्लांट्स हैं उनके लिए कंपोस्ट मार्केट से खरीद के पैसे वेस्ट ना करना पड़े। घर की वेस्ट चीज़ों से ही बहुत अलग अलग तरीके के कंपोस्ट बनाकर तैयार किया जा सकता है। मेरे गार्डन में ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो टाइम टाइम से मैं आपको दिखाती रहती हूँ कितने ज़्यादा प्लांट्स हैं, तो मैं उनके लिए कंपोस्ट कभी भी परचेज करके नहीं लाती हूँ। मैं इस तरह कई चीज़ें हैं जिसे आप डीकम्पोस्ट करके खाद बना के अपने गार्डन के प्लांट में दे सकते हैं और उनकी ग्रीनरी को बढ़ा सकते हैं, उन्हें हेल्दी बना सकते हैं। तो आज मेरा जो वेस्ट टी लीव्स है वो खाद बन के तैयार हो चुका है। देखिए कितना भुरभुरा सा था वो पहले और अब एकदम पाउडर फॉर्म में आ गया है, बिल्कुल अच्छे से ये डीकम्पोज हो गया है। 3 से 4 महीने लगते हैं किसी भी कंपोस्ट को डीकम्पोज होने के प्रोसेस से गुजरने में। तो चाहे काउडंग कंपोस्ट हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वेस्ट टी लीव्स हो और चाहे किचन वेस्ट हो, किसी भी चीज़ को डीकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगता है। धीरे धीरे डीकम्पोस्टिंग होती रहती है, तो जब एक बार ये कंपोस्ट बन के तैयार हो जाए उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एक पॉट में 7 से 8 इंच के पॉट में 1 से 2 चम्मच आपको डालना है मिट्टी में, और मिट्टी में डाल के उसकी सॉइल की गुड़ाई कर देनी है और उसमें टाइम टाइम से वाटरिंग करते रहना है। तो जो अगर आपको ये वेस्ट टी लीव्स बनाने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि फ्रेंड मेरे चैनल पे हर तरह की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी जिससे आपको गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। जल्दी किसी नए टॉपिक पे मैं आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगी, तब तक अपना और अपने प्लांट का ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।